बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक व्यापारी रहता था। उसकी एला नाम की बहुत ही सुंदर और प्यारी बच्ची थी। एला की माँ नहीं थी, वो उसके बचपन में ही गुजर चुकी थी। अपनी माँ को याद कर एला रोज रोया करती थी। एला के पिता व्यापार के सिलसिले में अक्सर यात्रा करते रहते थे, इसलिए एला की देखभाल और उसकी माँ की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक विधवा औरत से दूसरी शादी कर ली। उस औरत की पहले से ही दो बेटियां थीं। एला अपनी नई माँ और बहनों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहनें बहुत दुष्ट थी। हर समय एला को बहुत परेशान करती थी। एक बार एला के पिता व्यापार के सिलसिले में राज्य से बाहर गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनकी मौत के बाद एला बिल्कुल अकेली हो गई। उधर उसकी सौतेली माँ घर की मालकिन बन बैठी। वो और उसकी दोनों बेटियां एला पर जुल्म उठाने लगी, उससे घर का पूरा काम करवाती और खुद दिन भर आराम करती। कभी राजकुमारियों की तरह रहने वाली एला को अब उनके पुराने कपड़े और जूते पहनने पड़ते थे। अपने ही घर में नौकरानी बन गई थी एला। दिन भर काम करने के बाद जब एला थक जाती तो अंगीठी के किनारे ही सो जाती। सुबह जब वह उठती तो उसके ऊपर सिंडर यानी अंगीठी की राख पड़ी हुई होती। इसी कारण उसकी दोनों बहनें उसे सिंडरेला के नाम से चिढ़ाती थी। धीरे धीरे उसका नाम सिंड्रेला पड़ गया। सिंड्रेला अपना पूरा समय घर का काम करने में बिताती। जो समय मिलता उसमें दो चूहे और एक नन्ही चिड़िया के साथ खेलती। वही उसके दोस्त थे। एक बार राज्य में ऐलान किया गया कि राजमहल में एक बहुत बड़े जलसे का आयोजन किया जा रहा है। उस जलसे में राज्य की सभी लड़कियों को आमंत्रित किया गया। राज्य का राजकुमार वहां आई लड़कियों में से ही अपनी राजकुमारी चुनने वाला था। ऐलान सुनने के बाद राज्य की सभी लड़कियां राजकुमार से शादी के सपने देखने लगी। सिंड्रेला की दोनों बहनें भी जलसे में जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। सिंड्रेला भी राजमहल और वहां का जलसा देखने के लिए लालायक थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला वहां जाए, क्योंकि फटे पुराने कपड़ों में भी सिंड्रेला बहुत सुंदर लगती थी और उसकी दोनों बेटियां सुंदर कपड़ों में भी बदसूरत। उसे डर था कि कहीं राजकुमार सिंड्रेला को पसंद ना कर ले, इसलिए उसने सिंड्रेला को जलसे में जाने की इजाजत नहीं दी और ढेर सारा काम देकर घर पर ही रोकने को कहा। सिंड्रेला उदास होकर घर का काम करने लगी। उधर उसकी दोनों बहनें नए कपड़ों में तैयार होकर अपनी माँ के साथ जलसे में चली गईं। घर का काम खत्म करने के बाद सिंड्रेला अंगीठी के पास बैठ गई और जलसे के बारे में सोचने लगी। उसके दोस्त चूहे और नन्ही चिड़िया उसके पास ही खेल रहे थे। उन्होंने उसे हंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला का उदास मन हंस न सका। अचानक ही सिंड्रेला की आंख तेज रोशनी से चुंधिया गई। रोशनी कम होने के बाद सिंड्रेला ने देखा कि सामने एक परी खड़ी हुई है। सिंड्रेला परी को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। परी सिंड्रेला के पास आई और प्यार से उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। सिंड्रेला ने अपने मन की बात उसे बता दी। तब परी ने उससे पूछा, एला क्या तुम उस जलसे में जाना चाहती हो? जाना तो चाहती हूँ पर जा नहीं सकती। पर क्यों? परी ने पूछा। क्योंकि यदि मैं इन फटे कपड़ों में वहाँ गई तो दरबार मुझे वहाँ अंदर भी नहीं घुसने देंगे। परी ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अगले ही पल सिंड्रेला बहुत सुंदर पोशाक में खड़ी हुई थी। वह इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद परी ने सिंड्रेला से एक कद्दू लाने को कहा। उसने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक खूबसूरत बग्घी में बदल दिया। सिंड्रेला के चूहे दोस्त घोड़े बन गए और नन्ही चिड़िया कोचवान। अब सिंड्रेला जलसे में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जाने से पहले परी ने उसे पैरों में पहनने के लिए कांच की सुंदर जूतियां दी और आंखों के लिए नकाब, ताकि कोई उसे पहचान न सके। सिंड्रेला बग्घी पर बैठ गई। जाते जाते परी ने उसे चेतावनी दी कि उसे हर हाल में रात 12 बजे के वापस लौटना होगा, क्योंकि 12 बजने के बाद उसका जादू समाप्त हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वह फिर से फटे पुराने कपड़ों में आ जाएगी, बग्घी कद्दू बन जाएगा, घोड़े चूहे और कोचवान चिड़िया। सिंड्रेला रात 12 बजे के पहले वापस आने का वादा कर वहां से चल पड़ी। जब वह जलसे में पहुंची तो सबकी नजर उस पर ठहर गई। जलसे में आई सारी लड़कियों में सबसे सुंदर थी सिंड्रेला। उसकी सौतेली माँ और बहनें भी उसे देखकर आश्चर्यचकित थी, लेकिन नकाब के कारण वे सिंड्रेला को पहचान नहीं पाई। राजकुमार ने जब उसे देखा तो उससे नजरें नहीं हटा पाया। वह उसके पास गया, उसे अपने साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया।
पूरी शाम राजकुमार ने सिंड्रेला के साथ नृत्य किया। उसकी दोनों बहनें और जलवे में उपस्थित अन्य लड़कियां उससे चलती रहीं। नृत्य करते हुए राजकुमार ने कई बार उससे उसका नाम पूछा, लेकिन सिंड्रेला ने उसे कुछ नहीं बताया। सिंड्रेला जलसे में आकर बहुत खुश थी, इतनी खुश कि वह परी की कहीं सारी बातें भूल गई। जब घड़ी ने रात में 12 बजे का घंटा बजाया तो उसे परी की कही बात याद आ गई। डर के मारे वह महल से बाहर भागी। राजकुमार भी उसके पीछे दौड़ा। वह उससे प्रेम करने लगा था और उसे विवाह का प्रस्ताव देना चाहता था, लेकिन सिंड्रेला रुकी नहीं। जल्दी में उसके एक पांव की कांच की जूती महल के दरवाजे पर छूट गई, जिसे राजकुमार ने उठा लिया। घर पहुंचने पर सिंड्रेला अपने पुराने कपड़ों में वापस आ गई। बकी फिर से कद्दू बन गया। चूहे और नन्ही चिड़िया भी अपने रूप में वापस आ गई। वापस आने के बाद सिंड्रेला ने परी को बहुत धन्यवाद दिया। परी उसे ढेर सारा आशीर्वाद देकर चली गई। दिन बीतने के साथ राजकुमार सिंड्रेला को बहुत याद करने लगा। वह उसे ढूंढना चाहता था, इसलिए उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जिस लड़के के पैर में वह कांच की जूती आ जाएगी वह उससे ही शादी करेगा। राज्य की सभी लड़कियां राजकुमार से शादी करना चाहती थी, इसलिए सब उस कांच की जूती को अपना बताने लगी। सभी ने उस जूती को पहनने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी के भी पैर में नहीं आई। एक दिन राजकुमार अपने सेवकों के साथ सिंड्रेला के घर पहुंचा। राजकुमार को अपने घर देखकर सिंड्रेला की सौतेली बहनें बहुत खुश हुई। वे चाहती थी कि राजकुमार उनसे विवाह कर ले। दोनों ने हर तरह से कोशिश की कि वह कांच की जूती उनके पैरों में आ जाए, लेकिन वे इसमें सफल ना हो सकी। आखिरकार राजकुमार की नजर दरवाजे से छुपकर झांकती हुई सिंड्रेला पर पड़ी और उसने जूती पहनने के लिए उसे बुलाया। जब सिंड्रेला ने जूती पहनी तो वह उसके पैरों में आ गई। ये देखकर उसकी सौतेली माँ और बहनें हैरान रह गईं। सिंड्रेला ने दूसरी जूती भी अपने पास से निकालकर पहन ली और ये देखकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। वह समझ गया कि सिंड्रेला वही लड़की है। उसने आगे बढ़कर सिंड्रेला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सिंड्रेला ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी। दोनों ने विवाह कर लिया और एक दूसरे के साथ सुख चैन से रहने लगे।